कहते हैं जिंदगी में हम कुछ ऐसे सपने जरूर देखते हैं जिन्हें असल जिंदगी में भी जीने की ख्वाहिश होती है। और आज की ये कहानी मेरे उसी सपने को हकीकत में जीने के बारे में है। ये बात है करीब 6 महीने पहले की, जब मैं अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को जीने गया था। तो यार, यात्रा पर चलने से पहले हम आपको अपने माता पिता के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हमारी माता जी एक हाउसवाइफ हैं और हमारे पिताजी जॉब करते हैं, और दोनों ने बचपन से ही हमें बहुत ही प्रेम के साथ संभाला है। यार, अपनी बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करके हम भाई बहनों की परवरिश जितने अच्छे से हो सकती थी इन्होंने वो सब कुछ किया है। और हमारे माता पिता के साथ हमारा रिश्ता हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। बस यूँ समझ लीजिए, जैसा आपका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता है ना, उतना ही प्यार दुलार और फटकार यहाँ भी है। Having no life insurance. तो आज है पहला दिन और इस वक्त हम रामेश्वरम में अपने माता पिता के साथ स्नान करके होती कुर्ता पहनकर जाएंगे पूजा करने। तो देखो दोस्त, मैं आपको पहले बता दूं कि आपके भाई को धोती पहनना नहीं आता है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि यहाँ मैं हर दिन धोती पहनूंगा, तो इसीलिए हमारे पिताजी ने ही हमको हर दिन धोती पहनाई है। और यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं हमारी शिवलिंग की पूजा की तरफ। यहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहाँ स्नान करने के बाद खुद अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सभी लोगों की तरह हमारे माता पिता ने भी यहाँ की शुद्ध बालू से शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया, और बहुत ही ज्यादा प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग बनाने में इन्होंने अपनी पूरी आस्था लगा दी। अब शिवलिंग बनाने के बाद इनकी पूजा करना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आपको अपने शिवलिंग को इस अग्नि तीर्थम से मिले हुए महासागर में प्रवाहित करना भी अधिक आवश्यक है। तो अब स्नान और शिवलिंग प्रवाहित करने के बाद हम जाते हैं दर्शन करने। अब मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, लेकिन एक भक्त की वजह से हमें शिवलिंग की ऐसी फुटेज मिली है ना कि यार, अगर आप उसे देखेंगे तो आप उनके चेहरे की चमक में बस खो से जाएंगे। यार देखा, इतनी छोटी सी झलक देखकर बस ऐसे ही एकदम मैं भी खो गया था। और यहाँ के 22 कुंड के पानी से स्नान करके आपके सभी रोग और कष्ट दूर हो जाएंगे और लाभ मिलेगा सो अलग। तो मम्मी, अभी तुम्हें रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन किए, कैसा लगा? रामेश्वर महादेव के दर्शन किए, हमको बहुत अच्छा लगा। पार्वती जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। समुद्र देखा बहुत अच्छा लगा। अब रामेश्वरम से हम गए तो गंधमाधन पर्वत भी थे, जहाँ ऐसा कहते हैं कि किसी जमाने में यहाँ से लंका भी दिखती थी। एक बात है, वो ये है कि मेरी मम्मी के पैर जितने भी दर्द करें, लेकिन अगर भगवान का कोई भी धाम है तो वो चढ़ जाएंगी, वो चली जाएंगी, वो चली गई तो दर्द नहीं होगा। यार ये सब ना एक भक्त की अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ से हम पहुँचते हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। यार यहाँ ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने पंचमुखी अवतार के दर्शन कराए थे। और अब यहाँ से हम निकलते हैं अरिचल मुनई, यानी कि जिसे हम सब राम सेतु के शुरुआती बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अब राम सेतु से एक अच्छी सी याद लेकर हम निकलते हैं कलाम साहब के घर, देखने उनकी कुछ अच्छी सी यादों को। देखो यार, जब भी आपको मौका मिले किसी ऐसे इंसान के बारे में जानने का या उसकी चीजों को देखने का जिसका हमारे देश की उन्नति में हल्का सा भी योगदान हो, तो भाई इस मौके को कभी भी छोड़ना मत। तो कल रामेश्वरम से कुछ अच्छी यादें बनाकर अब आज हम सभी लोग निकलते हैं तिरुमला पर्वत, यानी कि तिरुपति बालाजी। विष्णु भगवान का एक ऐसा स्थान जहां मैं अपने सपने को पूरा होते हुए महसूस कर रहा था, और ये एहसास मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही ज्यादा खास था। वैसे तो बालाजी महाराज की बहुत सारी कथाएं और लीलाएं प्रसिद्ध हैं, और उनमें से एक ये भी है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो वो एक चींटियों के बिल में जाकर रहते थे, जिस पर रोजाना एक गाय आकर दूध देकर चली जाती थी। और ये बात जब उसके मालिक को पता चली तो उसने कुल्हाड़ी से गाय पर वार कर दिया, और गाय को बचाने के दौरान भगवान बालाजी के सर पर भी चोट आ गई, जिसके साथ उनके बाल भी गिर गए। और ये देखकर उनकी माँ ने अपने सर के बाल काट कर बालाजी महाराज के सर पर रख दिए,
और ये देखकर भगवान ने उनसे कहा, बाल ही शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। तो आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। और तब से ही भक्त बालाजी मंदिर में आकर अपने बालों का दान कर रहे हैं। देखो यार, हर मिडिल क्लास फैमिली के कुछ सपने होते हैं और ऐसे ही मेरे भी बहुत छोटे छोटे से सपने हैं। वैसे तो ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी मैं पहली बार, कभी भी पहली बार मैं प्लेन में बैठूँ, तो यार उस वक्त बस मेरे माता पिता भी मेरे बगल वाली सीट में बैठे हों, वो विंडो सीट ले लें, मैं बीच में बैठा हूँ, बस मुझे एक जो पहली जो फ्लाइट होगी ना यार, वो मुझे अपने माता पिता के साथ बस पहली फ्लाइट करनी है। और अब अपनी कहानी पर हम वापस आते हैं। तो आखिरकार आज है इस यादगार यात्रा का आखिरी दिन। इस यादगार यात्रा का आखिरी दिन हमने बिताया श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में। ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी ब्रह्मा रंभा के मंदिर को 52 शक्ति पीठों में से एक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ मैं आपको ऐसे दो लोगों से मिलवाता हूँ जिनकी वजह से मैं ये खास पल अपने माता पिता के साथ बेफिक्र होकर सुकून से बिता पाया। ये हैं विनय भैया और ये हैं शैलू भैया, और ये हमारे साथ साथ पूरे 47 और लोगों को भी इस यात्रा पर लेकर आए हैं। तो बैंगलोर से मैं गया था रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम से हम मिलते हैं हमारे शैलू भैया और विनय भैया से, जो कि इस पूरी ट्रिप का मैनेजमेंट संभालते हैं। और अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे शैलू भैया से, और ये आपको पूरी ट्रिप का हल्का हल्का पार्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे आप हैं? आज हम आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही साउथ ट्रिप पे लेके चलेंगे, जहाँ आपको बताएंगे कैसे हमने मेहनत किया अपने 41 लोगों का ट्रिप। ग्रुप जो रहा था बहुत ही अच्छा एंजॉयफुल रहा। सबसे पहले हम लोग लखनऊ से राप्ती सागर एक्सप्रेस से काठपाड़ी आए। काठपाड़ी आने के बाद रामेश्वरम में, रंगनाथपुरम में हमारे अभिषेक भाई साहब की टीम के साथ में अपने सारे मम्मी पापा के साथ मिले हम लोग आके। रामेश्वरम में हम लोग खूब धनुषकोटी गए और हर जगह एंजॉय किया, लक्ष्मण टेम्पल सब देखा है, राम झरोखा देखा है, बहुत वहाँ एंजॉय हुआ। उसके बाद हम लोग तिरुपति आए। तिरुपति बालाजी, क्या कहना उनकी महिमा, अपरंपार महिमा है। उन्होंने बहुत अच्छे से सबका स्वागत वहाँ किया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। इतनी भीड़, मार्च के महीने वहाँ जो नोटिफिकेशन लिखा था उसके अंदर 38 लाख लोगों ने दर्शन किया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जून में कितने लोग आए होंगे। और अब मैं आपको मिलाता हूँ विनय भैया से। हम लोग लखनऊ से जो है काठपाड़ी के लिए सबसे पहले निकले, फिर कन्याकुमारी से हम लोग रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में भगवान नवा ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने उसको अपने हाथों से बनाया था, उसके दर्शन करने के उपरांत हम लोग मरकापुर रोड होते हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि श्रीशैलम में स्थित है, वहाँ पे हम लोग इस समय भगवान शिव के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा भंडारा भी संचालित कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पूरे 47 लोगों के अलावा जिस किसी की इच्छा हो वो अपना भोजन प्रसाद पा सकता है। तो अब जैसा भैया ने बताया कि भंडारा भी करा रहे हैं, तो यार इसके पीछे वजह ये है कि हम सभी लोगों को, मतलब यात्रा में जितने भी यात्री थे उन सभी लोगों को खाना उतना पसंद नहीं आया। अरे मतलब आप ये कह सकते हैं कि खाने में स्वाद नहीं आया। अब देखो यार, मैं कहीं के भी खाने की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं आया तो नहीं आया, स्वाद नहीं लगा तो बस नहीं लगा। और फिर इसीलिए हम सभी लोगों ने खाने का इंतजाम किया और वहीं पर खाना बनाना शुरू कर दिया। यार सभी यात्रियों के साथ ये खाना बनाने की यादों को समेटते हुए और अपनी यात्राओं की बातें करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मानो ये सभी लोग मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं। तो यार इसी वजह से मैं और मेरे माता पिता इनके साथ इस यात्रा पर आए, क्योंकि इनके साथ आने में हमें ना ही किसी चीज़ की चिंता हुई और ना ही परेशानी, और हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुखद और बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रही। तो यार अब आखिर में इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मेरे दिल के अंदर एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बात यह है कि अगर आपका भी ऐसा कोई सपना हो या ना भी हो, फिर भी आप एक बार अपने माता पिता के साथ किसी भी तीर्थ स्थल पर ज़रूर जाएं। अपने सारे काम वाम भुलाकर, अपनी सारी चिंताओं को चिता में जलाकर आप अपनी ज़िंदगी के ये 4 दिन के हसीन पल ज़रूर जिए। और हाँ यार, खूब पिक्चर्स खींचना, खूब वीडियोज़ बनाना, और मैं तो कहता हूँ अपने मेमोरी कार्ड को एकदम फुल कर देना, क्योंकि यार मेरा ऐसा मानना है कि यादों को कैमरे में समेटने से
आप जब भी भविष्य में इन्हें निकाल कर देखेंगे तो आप सीधा उसी वक्त को कुछ ही पलों में फिर से जी लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब देखो यार, ये कोई ट्रैवल वीडियो तो था नहीं, ये तो बस मेरे एक छोटे से सपने को हकीकत में जीने की एक छोटी सी कहानी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को आप अपने माता पिता और परिवार वालों को जरूर दिखाइएगा। पीस आउट।